बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ख़वातीन अपनी जिल्द के मामले में बहुत हसास होती हैं। स्कूल कॉलेज की तालबात या फिर दफ्तर में काम करने वाली ख़वातीन के जिल्दी मसाइल तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर करती नज़र आती हैं। खूबसूरती बढ़ाने और जिल्द के मसाइल हल करने का तरीका जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो जिल्द को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएगा बल्कि बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम भी बना देगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कील मुहासों से निजात के लिए मुल्तानी मिट्टी का मास्क। सदियों पुराना खूबसूरती का एक सस्ता तरीन तरीका, जिसे अक्सर ख़वातीन नज़रअंदाज करके महंगी कॉस्मेटिक्स अशिया का इस्तेमाल करके जिल्द ख़राब कर बैठती हैं, मुल्तानी या चिकनी मिट्टी जिल्द को झुर्रियों से निजात दिलाने और सूरज की शुआओं से जल जाने वाली जिल्द के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। मुल्तानी मिट्टी में पानी या दूध मिलाकर मास्क बनाएं। इसे मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए इस पेस्ट में शहद के चंद कतरे, पिसा हुआ पुदीना, एलोवेरा जेल या हल्दी भी डाली जा सकती है। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर 15 से 17 मिनट तक लगाएं और सूखने पर ठंडे पानी से धो लें और चेहरा खुश कर लें। यह मुरक्कब कील मुहासों और इजाफी चिकनाई के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से जिल्द पर सूरज की शुआओं के मुज़र असरात, मुर्दा खुलिए, दाग धब्बे साफ़ होने के साथ साथ रंगत भी निखर जाएगी। जिल्द बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम और साफ़ हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।